ओके, और यहाँ पे मोर पिलोन चेट। ये कौन सा क्लास है? नर्चर फेज का नहीं, नर्चर फेज का कौन है? अच्छा वानी, तुम नर्चर का लेक्चर नहीं है? नर्चर का इवनिंग, मैंने इवनिंग में रखा लेक्चर। ये इंट्यूज बैच है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट बिगनर्स बॉक्स 1 2 3 किया था ना, आगे देखो। हाँ कहाँ तक किया था? हाँ ये बताया था कि नंबर ऑफ आइटम्स सबको मालूम चल गया ना, कंट्रीब्यूशन कैसे लेना है, परसेंटेज बता दिया था। नाउ डेंसिटी। हाँ तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसमें कितने ये रहते हैं। अब देखो ये चीज दिख रहा होगा, जैसे ये क्यूब है, इसके कहाँ पर होगा? इस कॉर्नर पे एक आइटम है, ये कॉर्नर पे, इसी का कंट्रीब्यूशन में बोला तो 1/8 अंदर होगा। कैसे? हाफ इधर से कट कर दो, इस साइड से हाफ कट कर दो और इधर से हाफ कट कर दो, तो 1/8 ही अंदर बचा ना। क्लियर? तो कॉर्नर पर रहेगा तो कंट्रीब्यूशन आता है 1/8। उसके बाद कौन सा हो गया? यदि फेस सेंटर पर रहा तो ये जो फेस है इसके हाफ पे रहा, आधा अंदर आधा बाहर, ऐसे स्पेयर हाफ है। हाँ तो हाफ होगा तो, और यहाँ पे एक कॉर्नर पर रहेगा एक। ओके तो फेस सेंटर कैसा होता है? यहाँ पे कॉर्नर पे एक आइटम है, कॉर्नर पे यहाँ फेस के बीच में एक है, यहाँ कॉर्नर पे एक आइटम है, यहाँ भी कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे और यहाँ फेस में एक है, ये ना, और यहाँ पे वो टच करेगा। ये √2a, √2a इज इक्वल टू ये r प्लस ये 2r, फिर r, 4r इज इक्वल टू √2a, यही था ना, 4r इज इक्वल टू √2a। ये FCC का, FCC कहाँ कहाँ पे होगा? सारे कॉर्नर, इसको जहां पे भी लोगे क्या होगा? FCC सारे कॉर्नर्स पे होगा, 1 2 3 4 इधर 4, और सारे फेस सेंटर पे। तो FCC का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8 इनटू 8, 1, और ये हाफ इनटू 6, कितना हो गया? 3। तो टोटल इनसाइड 4 आया था, FCC में टोटल 4 आया था। आउट ऑफ ऑल 3 FCC सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये FCC हो गया। तो FCC में 4R इक्वल टू √2 है, ये सब बताया था। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन में निकाल लिया था 74। मैंने बोला था इस फेस पे जो है, यहां पे जो फेस है, इसको टच करने वाले आइटम कौन कौन से हैं? इस फेस पे जो होगा उसको टच करने वाले आइटम कौन से होंगे? सेम प्लेन में 4, 1 2 3 4, इस प्लेन में 4 होंगे। इसके बैक प्लेन में, यहां पे आ जाओ, ये जो बीच से 3 प्लेन मान लो, ये एक प्लेन, पीछे का एक प्लेन और ये बीच का एक प्लेन, बीच में 4 फेस सेंटर होंगे। कहां पे होंगे? ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये चारों भी टच करेंगे। और कौन से होंगे 4? अब बताओ, हाँ दूसरे प्लेन में, बाहर के प्लेन में, अच्छा चैट ऐसे आ जाता सामने। हाँ तो ये 4 सेम प्लेन में, 4 ये बैक प्लेन में उसके, और 4 इसके बीच वाले में, सबके फेस सेंटर। ये फेस सेंटर है, ये चारों के फेस सेंटर को टच करेगा। ये फेस सेंटर अलग प्लेन पर गया, इसके पीछे वाला, बस इसी फेस सेंटर को टच नहीं करेगा। तो हर एक जो होता है अपने बॉक्स में 4 फेस सेंटर को टच करता है, ये है ना, और बैक साइड वाले को नहीं करेगा। क्लियर हुआ? ये फेस सेंटर 4 कॉर्नर को टच करेगा और ये 4 फेस सेंटर को टच करेगा। और इसके आगे क्यूब इमेजिन करो, यहां पर इस साइड में, यहां पर एक क्यूब है इस साइड, तो ये जो फेस सेंटर होगा, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, इधर का फेस सेंटर, चारों को फेस सेंटर को करेंगे, तो टोटल 12 हो गया ना।
तो जो 12 हुए, ये जो फेस सेंटर हो गया कौन सा, ये चार कॉर्नर हो गए, और यहां जो फेस सेंटर हो गया ये एक फेस, इधर का एक फेस, इधर का फेस, इधर का फेस, ये चारों को टच करेगा तो पीछे वाला फेस तक नहीं जाएगा, वो थर्ड प्लेन हो गया। फर्स्ट प्लेन फेस सेंटर वाला, सेकंड प्लेन ये थर्ड प्लेन, थर्ड प्लेन को फेस सेंटर को छोड़ो, तो अपने प्लेन में ही चार और चार आठ हो गए, और इसके सामने एक ऐसा ही ये क्यूब इमेजिन करो, उसके भी चारों फेस सेंटर। अब ये कॉर्नर पे जाओ तो ये कॉर्नर वाले का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होना चाहिए, ये किस 12 को टच करेगा, कॉर्नर केवल फेस सेंटर को टच करता है, तो कौन कौन सा फेस सेंटर है वो बताओ। हाँ, तो ये जो हो गया ये कॉर्नर ले लो, अब ये प्लेन ले लो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड और एच जेड, एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ के फेस सेंटर को टच किया, ये कॉर्नर किसको टच किया है, ये फेस सेंटर को टच करेगा। अब ये क्यूब को ऊपर ले लो, एक्स वाई प्लेन ऊपर भी होगा, तो यहाँ भी एक फेस सेंटर को टच करेगा, उसके साइड में भी एक्स वाई प्लेन होंगे दो, मतलब पूरे एक्स वाई प्लेन में चार को टच करेगा, वाई जेड में चार को और एक्स जेड में चार को, एक्स वाई में चार कौन सा होगा, ये कॉर्नर का, ये फेस का सेंटर, इसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया जाएगा उसका फेस सेंटर, उसके बाजू में दो बॉक्स है वो दोनों का फेस सेंटर, एक्स वाई प्लेन में चार, वाई जेड में चार कौन सा होंगे, ये हो गया, मतलब समझो मैं जिस रूम में बैठा हूं इधर, तो ये फेस सेंटर किसका कॉर्नर होगा, वो कॉर्नर में ले लूं, उस कॉर्नर से ले लूं, तो ये फेस सेंटर हो गया, मेरे ऊपर एक रूम होगा उसका फेस सेंटर हो गया, वहां पर मान लो कोई बैठा हुआ ऐसा हो गया, और बाजू में मेरे दो रूम होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दो होंगे, तो वहां पे भी दो लोग बैठे होंगे, उनका फेस सेंटर, इस प्लेन में चार हो गए। रूफ के प्लेन पे चले जाओ, रूफ के प्लेन पे चले जाओ तो क्या होगा, इस रूम में एक फैन लगा हुआ, वो मेरे पीछे एक रूम होगा वहां भी फैन लगा होगा वो, और मेरे बाजू में दो रूम होंगे वहां भी दो फैन लगे होंगे वो भी, तो टोटल चार वहां भी हो गया। एक और प्लेन मत गया, ये ले लिया रूफ का प्लेन ले लिया, और एक इस साइड वाला प्लेन, ये साइड वाला प्लेन इधर का बताया था, इस साइड जिधर विंडो था इस साइड से ऐसे बताया था ना, ये जिधर विंडो है, हाँ तो ये विंडो साइड में ले लोगे, ये एक प्लेन, मेरे बाजू वाले रूम के पास भी विंडो होगा उसका, और मेरे ऊपर दो रूम होगा उसका भी। क्लियर हुआ? हाँ थोड़ा समझो मैं। ओके अब मुझे बताओ नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा सब में, नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें हम लोग, कैमरा कैसे माइनस जाएगा, हाई थंबनेल वीडियो, ओके तो क्लियर ऑल ड्राइंग। हाँ तो मैंने बताया कि जो हो गया उसका भी 12 आ जाएगा जो, राइट, तो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट, सिंपल क्यूबिक ले लो, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नंबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, जो नियरेस्ट नेबर होगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा सिंपल क्यूबिक में, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, सिंपल क्यूबिक लेंगे ये, सिंपल क्यूबिक में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना था, सिक्स था, स्क्रीन ऐसे ही आ रहा है फ्लैट होकर, इसका सेटिंग चेंज हो सकता है क्या,
देखो इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, सिक्स। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में ये सारे कॉर्नर पे केवल है, तो ये जो किसको कट करेगा, अपने एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक को कट करेगा इस साइड, और एक्स एक्सिस पे इस साइड भी कोई होगा उसको कट करेगा। वीडियो कहाँ गया वो मेरा, देखो तो ये जो हो गया, ये कॉर्नर जो हो गया किसको टच करेगा, ये कॉर्नर को टच करेगा सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पे आइटम, ये कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर पे है ना, ये कॉर्नर इधर का कॉर्नर, इधर कॉर्नर, फेस और बॉडी में नहीं है, ये सब आपस में टच करते हैं, ये कॉर्नर इसके टच में, एज इक्वल टू 2r था, तो ये सेम प्लेन में दो को टच करेगा, सेम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इधर एक, और एक्स एक्सिस पे इधर जाओ इधर एक, वाई एक्सिस पे दो को टच करेगा एक इधर और एक बैक साइड में, जेड एक्सिस पे दो को टच करेगा एक इधर और एक ऊपर। टोटल कितना हो गया, सिक्स ना। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर कितना हो गया, ए हो गया ना, ये नियरेस्ट क्या हो गया, जो टच कर रहा हो नियरेस्ट हो गया, उससे कम क्या होगा, तो ये ए हो गया। सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन है, डिस्टेंस कितना है और कितने होंगे वो, टू ए, रूट टू है, हाँ हाँ राइट, रूट टू है। और कितने ऐसे आइटम होंगे जो क्लोज होंगे, रूट टू वाले टोटल कितने होंगे सारे प्लेन में, थ्री इन्फिनिट है, इन्फिनाइट मान के चलो, वो तीन होंगे। यहां से जाओगे ये कॉर्नर जो ले ले हम लोग, ये कॉर्नर के लिए रूट टू ए इधर है, यही है ना, ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट किया रूट टू है, सेकेंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस। और ऐसे कितने एटम्स होंगे रूट टू ए डिस्टेंस पे, कितने होंगे इस एटम के लिए, इसके अपने प्लेन में एक हो गया, एक्स वाई प्लेन में टोटल चार होंगे ना, उसी तरह वाई जेड एक्स जेड भी तो होगा, हाँ 12 होगा राइट। ये खुद के प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे एक हो गया, इसके बाजू में एक बॉक्स इमेजिन करो, इसके ऊपर दो बॉक्स इमेजिन करो, तो एक्स वाई प्लेन में ही चार हो गया। फिर वाई जेड प्लेन इमेजिन करो, वाई जेड प्लेन में भी चार होंगे ऐसे, ये वाई जेड प्लेन यहाँ आ जाओगे तो ये कॉर्नर आएगा ना इधर इस साइड, यहाँ से यहाँ राइट, इसके बाजू में एक बॉक्स इधर इधर, चार और बॉक्स वाई जेड, और एक्स जेड में ले लोगे तो भी चार होंगे ना, तो टोटल 12 होगा। कॉर्नर से समझो, किसी कॉर्नर को तुम पकड़ लो तो उसके पास तीन वॉल है, एक रूफ वाला वॉल है सीलिंग का है ना, एक ये पीछे वाला वॉल है और एक वो साइड वाला वॉल है, तो हर एक वॉल में चार चार आएंगे, तो टोटल 12 होंगे, सोच लो 12 होंगे, 12 होंगे, हाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, 12। तो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर इज ए एंड कितने होंगे वो, 12, नहीं ये तो 6 ही था, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 6 था, अगला रूट टू ए था ना, ये कितना हो जाएगा, इसको कट कर देना, कैसे कट करें, फॉर्मेट इरेजर ड्रॉ, ओके ये आ जाएंगे, ये कितना हो गया 6 ना, इरेजर ही चल रहा ड्रॉ, हाँ 6 आ गया। सेकंड नियरेस्ट बताओ, अभी बताया रूट टू ए, रूट टू ए
और कितने होंगे ऐसे 12। थर्ड नियरेस्ट बताओ, थर्ड नियरेस्ट रूट थ्री है, रूट थ्री होगा, गुड। और कितने होंगे टोटल बॉडी सेंटर, मतलब ये कॉर्नर से लेके या तो ए बचा, इधर ए बचा, या फिर ये एलिमेंट, ये एटम रूट टू ए बचा, रूट थ्री ए बॉडी डायगोनल बच जाएगा। यही तीन डिस्टेंस है ना, ए रूट टू ए और रूट थ्री ए। हाँ तो रूट थ्री ए वाले टोटल कितने होंगे, पूरा इनफिनाइट लेन दो। हाँ वेदांत करेक्ट है, वेदांत शिवम आशय अमितेश ओके ठीक है, एट होगा। हाँ तो यहाँ पे थंबनेल वीडियो हाइड कर दीजिएगा। हाँ थर्ड नियरेस्ट रूट थ्री है और ये टोटल एट होंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव है। थर्ड नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस बोल देगा, फोर एंगस्ट्रम है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो रूट थ्री इज इक्वल टू फोर ले लोगे तो ए का वैल्यू फोर बाई रूट थ्री, या डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड नियरेस्ट नेबर इज फाइव एंगस्ट्रम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो रूट टू ए इज इक्वल टू फाइव, तो ए का वैल्यू फाइव बाई रूट टू, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ठीक है ना। और ये नंबर डायरेक्ट होगा, हाउ मेनी सेकंड नियरेस्ट नेबर्स आर देयर, सिंपल क्यूबिक बता दिया। बॉडी सेंटर्ड पे जाओ, बॉडी सेंटर्ड बुकलेट है उसमें थोड़ा और अच्छा दिखता है, डायग्राम बनाया होगा, ये बीसीसी था, इसमें ये सब कितना होगा बॉडी सेंटर, और ये हो गया फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में एट थे, फेस सेंटर में 12 था, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नंबर ए के टर्म में कितना होगा, टच कहां पे कर रहा है, टच अलोंग द बॉडी डायगोनल, तो बॉडी सेंटर कहां पता है, सिंपल क्यूबिक, सारे कॉर्नर पे एटम और एक बॉडी में एटम है, एक एटम बॉडी पे, करेक्ट। हाँ तो ये आ जाएगा बॉडी सेंटर में, तुम बोल रहे हो ए बाई टू, तो अच्छा रूट थ्री ए बाई टू, हाँ करेक्ट शिवम अमितेश गुड, अच्छा कई लोगों ने दिया, हाँ रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए हो गया, रूट थ्री ए डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नंबर क्या होगा, टू आर ना, आर प्लस आर, तो वो दो एटम जैसे ऐसे टच कर रहे हैं, किधर टच कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल, ये था रूट थ्री ए, ये रूट थ्री ए था, तो तुम्हें तो ये डिस्टेंस लेना है ना बाई टू, दो डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस क्या है दो स्पेयर का, तो ये रूट थ्री ए बाई टू आएगा ना, और ऐसे कितने होंगे वो तुम्हें बताना है। हाँ तो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर बॉडी सेंटर में कितने होंगे, रूट थ्री ए बाई टू, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया एट, सेकंड नियरेस्ट की बात करो। हाँ तो एट ही होगा ना, हर कॉर्नर एक कॉर्नर एक ही को टच कर रहा है बॉडी के सेंटर में जो है, तो ये कॉर्नर टोटल ऐसा एट क्यूब से शेयर्ड है, ये हर एक कॉर्नर एट क्यूब से शेयर्ड होता है ना, इधर 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 और चार ऊपर, ऐसे इमेजिन कर लो आठ का बॉक्स, ये जो कॉर्नर हो गया सबके बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। अब सेकंड पे जाओ, सेकंड नियरेस्ट ये सेकंड नियरेस्ट इज ए, गुड, और कितने होंगे ऐसे, एक की बात करें तब तो एक्सिस पे आ गया ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ए पे बात करोगे एक्स एक्सिस पे एक है, उसके बाद कॉर्नर वाला टच किया बॉडी सेंटर पे, अब वो ये कॉर्नर बच गया, तो ये कॉर्नर ए पे है, ए वाले टोटल कितने होते हैं, हाँ सिक्स होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसको हम लोग सिक्स कर दें, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये हो गया ए, इसको बैक साइड में ले लोगे, इधर ए, फिर वाई पे ए, इधर ऊपर नीचे और जेड पे भी ए,
यही है ना। नेक्स्ट पे करें, थर्ड रूट टू है, रूट थ्री है। हाँ रूट रूट टू है तो ऑफकोर्स रूट थ्री है से पहले है ना। रूट टू ए बाई टू कैसे आ सकता है? डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम्स देख रहे हो, या तो ए आया या रूट थ्री ए बाई टू आ गया। अब इसके बाद ये कॉर्नर के लिए, ये जो कॉर्नर था इसके लिए सबसे क्लोज क्या था? बॉडी सेंटर, उसके बाद ए। अब कौन सा बच जाएगा? रूट सेवन ए बाई टू। वेदांत कौन सा रूट सेवन है? टू ए होगा, ये जो कॉर्नर होगा यहीं पे रूट टू ए पे जाएगा ना। ए हो चुका है इधर, ए हो चुका है, बॉडी सेंटर हो चुका है, तो एक ही बचा ना, रूट टू ए। हाँ रूट टू ही होगा, इसको हम लोग कर दें माइनस और यहाँ पे जाए, ये हो जाएगा रूट टू ए। और कितने होंगे टोटल रूट टू ए वाले? एक कॉर्नर के लिए फेस डायगोनल कितने होते हैं? 12 12 12 12। हाँ सबको क्लियर है, अभी क्लियर हो रहा है ना? 12 की आदत हो जाएगी, कुछ समय बाद ही आदत हो जाएगी कि हाँ ये एक फेस पे हो गया। तो एक्स वाई प्लेन पे टोटल चार हो जाएंगे, ये प्लेन इसके ऊपर इसके बाजू में दो, चार। वाई जेड प्लेन पे चार हो जाएंगे सबका फेस डायगोनल, और एक्स जेड पे चार हो जाएंगे। और एफसीसी पे चले तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या लिखा जाए? एफसीसी का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ए बाई रूट टू। हाँ करेक्ट है, क्लोजेस्ट क्या हो गया? एफसीसी टच कहाँ कर रहा है? रूट टू ए पे ना, मतलब ये फेस डायगोनल के लॉन्ग, ये फेस डायगोनल के लॉन्ग, ये एक एटम यहाँ पर है दूसरा एटम यहाँ पर है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना तुम्हें। ये एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? रूट टू ए है तो रूट टू ए बाई टू ये होगा ना, ये डिस्टेंस कितना था? रूट टू ए, तो रूट टू ए बाई टू। ओके और कितने होंगे? सेकंड नियरेस्ट थर्ड नियरेस्ट तीनों बता दो थोड़ा, तीनों एक साथ। नहीं एक साथ नहीं, चेक करके जल्द चलते जाओ। ये हो गया फेस सेंटर पे जो क्लोजेस्ट हो गया रूट टू ए बाई टू। फेस ऐसे ही दिख रहा था ना, एक यहाँ पे था यहाँ पे था, एक ऐसा था ऐसा था, ये क्यूब का फेस है जो तुम्हें सामने दिखेगा। तुम्हें दो एटम के बीच का डिस्टेंस दिखना है, ये रूट टू ए बाई टू होगा ना, और ये प्लेन वाइज जाएगा। टोटल प्लेन कितने हो गए? एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, तो 12 आ जाएगा, यही है ना। ओके नेक्स्ट में बताओ। ये हो गए 12। ओके सेकंड नियरेस्ट बताओ कितना होगा, कैसे होगा? यही जाएगा ना, कितने होंगे? ये जाएगा तो हाँ एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड करेक्ट। थर्ड नियरेस्ट रॉन्ग होता है, थोड़ा सोच के बताओ। थर्ड नियरेस्ट रॉन्ग होता है, रूट टू ए से भी क्लोज कोई है वो सोचो।
नियरेस्ट बोल लो, सेकंड नियरेस्ट कौन सा, एक्सिस पे आ गया ना फिर ये, कॉर्नर के लिए ये तो फेस पे आया, तो फेस एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड 12 हो गया क्लोजेस्ट, और सेकंड नियरेस्ट कॉर्नर टू कॉर्नर है ये, टोटल कितने होंगे एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ये होगा ना रूट 3a/2 इज नॉट थर्ड नियरेस्ट। अब थोड़ा सोच के बताओ, ये बहुत सोचना पड़ता है, बट एक दो लोग का आंसर आता है। 2 मिनट करो, बताओ मुझे, एडजस्ट करता हूँ। हाँ, थर्ड नियरेस्ट √3a नहीं है, अभी तो बता के गया था √3a नहीं है, सोचो। लोकेश, हाँ लोकेश का करेक्ट है। अच्छा लोकेश ने बता दिया आंसर, गुड। और किसी का नहीं आंसर है, क्यों लोकेश का है?
सोचो, ज्यादा टफ नहीं है। और पूरे बैच में कई अनुराग करेक्ट है अभी। हाँ आशय, अनुराग आशय ऑल्सो करेक्ट। यस डायगोनल कॉर्नर, ये जो कॉर्नर हो गया यहां से, या ये कॉर्नर पकड़ो, इस कॉर्नर से हम लोग ये तो देख चुके कि क्लोजेस्ट है फेस डायगोनल, और ये जो कॉर्नर हो गया वो अवे पड़ गया। अब ये फेस को देखो, इस फेस का डायगोनल रूट थ्री है तो दूर पड़ गया, यहाँ पे ये दूर चला गया। इस कॉर्नर से जाओगे तो ये दूर पड़ जाएगा, ये फेस सेंटर नजदीक पड़ेगा। ये फेस सेंटर का डिस्टेंस बताओ इस कॉर्नर से, ये फेस सेंटर। मतलब मेरा ये राइट हैंड साइड वाला कॉर्नर है तो ये विंडो वाला स्पेस, यहाँ पे विंडो जो मैं दिखा रहा हूँ राइट हैंड कॉर्नर से विंडो, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो यहाँ तक आना है। यहाँ से ये हो गया ए, यहाँ तक आ जाएगा ए बाई टू। ये डिस्टेंस ले लो कितना हो गया, ये मालूम चल गया, तो तुम्हें ये डिस्टेंस बताना होगा। फिर ये होगा ए बाई टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये बाई टू, देन पाइथागोरस लगा दो, क्या होगा वो बताओ। यहां से ले लो ये ए और ये रूट टू ए बाई टू, देन पाइथागोरस लगा दो। ये रूट टू ए बाई टू है ना, और ये तो कितना आ जाएगा। हाँ विपुल तुम्हारा करेक्ट था, आशय का भी स्क्वायर रूट ऑफ 1.5, हाँ करेक्ट है। हुआ कैसे, एक मैंने डिस्टेंस बताया, यहाँ पे जाता हूँ, इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या। हाँ ड्रॉ करके बताता हूँ मैं, ये इधर से इधर लिया, ये कॉर्नर लिया, कोन कलर कहाँ पे, कलर कलर फॉर्मेट यस रेड, ओके। ये कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर से ये फेस का सेंटर ले लो। तुम लोग कॉर्नर ले रहे हो, कॉर्नर मतलब फेस सेंटर का सेंटर, तो ये कितना हो गया रूट टू ए बाई टू, ये रूट टू ए बाई टू हो गया, और ये हो गया ए। अब यहां से एक पाइथागोरस कैलकुलेट कर दो, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा वो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, ए का स्क्वायर प्लस यहां से बॉडी डायगोनल का बीच का डिस्टेंस रूट टू ए बाई टू, मतलब ए बाई रूट टू का स्क्वायर, ये आ जाएगा डिस्टेंस। कितना हो गया, ये बाहर आ गया, ये हो गया वन प्लस ए बाई रूट टू था ना, वन बाई टू, हाँ टू प्लस वन रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए बाई टू देखे तो रूट थ्री ए कितना होता है 1.5, 1.5 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1.2 वगैरह ना, तो रूट थ्री ए से तो कम ही है ना। हाँ तो कुछ रॉन्ग हुआ था लोकेश, तुम्हारा आंसर रूट फाइव ए था ना, ये रूट थ्री आ जाएगा, ये है और ये हो जाएगा रूट टू ए बाई टू।
ठीक है, यही होगा 1.√ √1.5 है, ठीक है। ओके अब बताओ, था डाउट हो रही है चैट, कैलकुलेशन गलत हो गया था। ओके हाँ वेदांत सही था, तुम्हारा भी वेदांत, आशा है, विपुल, अमितेश का भी सही था, और किसका सही आया था, लोकेश का मुझे लगा सही है बट नहीं था उतना। वेदांत, विपुल और ये, और किसने बताया था, कौशल ने लिखा था। ओके ठीक है, तो ये वाला सबका मिस्टेक होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन कैसे होंगे, डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड नियरेस्ट नेबर सेम वैसे ही कुछ दे देगा 3 एंगस्ट्रम में, तो ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू यूज करोगे। अब आईडी एडवांस में होगा तो बस एक सेंटेंस होगा कि थर्ड नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस ये है, उसके बाद अदर अदर क्वेश्चन होंगे कि ये सब कैलकुलेट करो। तो चलो ये तो हो गया, अब ये कितने नंबर होंगे वो सोचो, ये जो कॉर्नर हो गया इस स्पेस पे, ये भी चैलेंजिंग अगेन, ऐसे कितने हो गए थोड़ा सोच के बोलना, ये भी रॉन्ग होगा तुम। अमितेश करेक्ट है, अमितेश ने पहली बार आंसर दिया, ये हर बैच में किसी एक को ही आता है। विपुल करेक्ट है, बोलो 8, कौशल ओके करेक्ट है। इसके नंबर कितने होंगे थर्ड नियरेस्ट नंबर वाले, सबका नंबर बता रहे हैं ना हम लोग, जो तुमने ये बताया कि यहां से बॉडी डायगोनल पे ये कितने हो गए, ये फेस के डायगोनल पे डिस्टेंस √1.5 ए है, तो ऐसे कितने होंगे थर्ड नियरेस्ट नंबर एटम कितने होंगे वो बताना। तीन आंसर करेक्ट आया अभी तक, शिवम करेक्ट हो गया, अभी 4 आंसर करेक्ट हो गए, गुड। और प्रणव गुड, 5वां, ऋषभ, अंकित ओके 7 आंसर्स करेक्ट, गुड। एक बार सोच लो, इसलिए टाइम दे रहा हूं कि जल्दी सोच नहीं पाते सब। हाँ वेदांत करेक्ट, एट आंसर्स, नहीं और किसी का आंसर नहीं आ रहा, वेदांत का लास्ट आंसर था 8, 8 ऑफ यू हैव आंसर्ड, ऋषभ, अंकित, वेदांत, और पहले भी कौशल ने पहले बताया था, और शिवम और विपुल। ट्वेंटी 24 होगा, हाँ लोकेश 24, गुड। 24 कैसे होगा सोचो, वो इसी रूम में 3 मिल जाएंगे, ऐसा 8 रूम होगा, इस रूम में कौन से 3,
सब पे टाइम देना इसलिए जरूरी होता है ना, एग्जाम याद आता है कहाँ पे मिस कर रहे थे, बाद में आया। ये जो कॉर्नर हो गया, ये जो कॉर्नर हो गया, तो ये तीन फेस सेंटर टच में इसके, कौन सा, ये फेस टच करता है, ये फेस टच करता है, ये फेस टच करता है, किसी भी कॉर्नर को तीन फेसेस टच करते हैं, करते हैं ना। इस कॉर्नर को देखोगे तो इसको तीन फेस टच करने वाला, ये और नीचे वाला, ये तीन टच कर रहे हैं इसको। अब बाकी तीन टच नहीं कर रहे हैं उनके सेंटर, ये नीचे वाले को देखो तो इसके तीन जो नहीं टच करने वाले, ये है बैक साइड में, ये तीन फेस है ना जो टच नहीं करने, तीनों का फेस सेंटर तीन हुआ ना। इस रूम में तीन हो गया, दिस कॉर्नर इज शेयर्ड बाई एट रूम्स, एट सच क्यूब्स, द थ्री इंटू एट कितना हो गया, नहीं एक रूम में अभी चार होगा, अभी बताया ना, क्लियर हुआ, एक रूम में तीन ही होगा, सॉरी यार तुम चार क्यों लिख रहे हो ना, एक रूम में तीन ही होगा ना। इस रूम में जैसे ये कॉर्नर कोई भी ले लो, ये कॉर्नर ले लो, ये तीन फेस सेंटर टच करेंगे, ये फेस, ये फेस, ये फेस, जो नहीं टच करेंगे वो ये तीन फेस है अवे वाले, है ना। जैसे उस कॉर्नर पे चल जाओ, नहीं टच करने वाले उसको ये फेस है, ये विंडो वाला है और ये नीचे का है, टच करने वाले इसके ये तीन वाल, लेफ्ट राइट और एक ऊपर वाला, तो ये तीन का सेंटर एक रूम में मिला, और ऐसा एट रूम्स होंगे। समझ में आया अभी, ऐसा एट रूम होगा, सब रूम में तीन तीन फेस सेंटर टच करने वाले, छोड़ दो जो तीन टच नहीं कर रहे हैं वो, तो एट इंटू थ्री, ओके गुड अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये आंसर लिख दो 24, इसे नोट कर लेना, शायद आगे नोट्स में होगा, अभी देखा नहीं मैंने, नहीं होगा तभी तो मिल जाएगा ना इसका है? एट इंटू थ्री कैसे अनुराग, नहीं क्लियर हुआ। एट इंटू थ्री कैसे, इस रूम में तीन है वो कैसे, ये क्लियर हुआ कौन से तीन होंगे, इसको मैं बोला था इसको टच करने वाले 12 आइटम होते हैं, मैंने बताया था कौन से, ये फेस पे टच करेगा, ये फेस राइट, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर है, जो तीन फेस सेंटर नहीं टच करेंगे वो ये होगा मेरे साइड वाला फेस का सेंटर और एक नीचे वाला, ये कॉर्नर ये तीन फेस सेंटर को टच नहीं किया हुआ, सबका डिस्टेंस सेम है, वही रूट 1.5 वे है, ये कॉर्नर इसी रूम में ऐसा तीन फेस सेंटर मिल गए, तो ऐसा ये कॉर्नर के आसपास कितने एट रूम्स है ना, एट सच क्यूब्स आर देयर, इस क्यूब में भी तुम्हारे तीन ऐसे होंगे, इसके बाजू वाले में इधर भी और चार ऊपर होंगे, वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाई एट क्यूब्स, बताया था ना, ये याद है कि वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाई एट क्यूब, अनुराग क्लियर हुआ, हाँ तो ये कॉर्नर एट से है, जब ये कॉर्नर होगा ये ऐसा एट क्यूब इसके आसपास होगा, एक यहाँ पे एक इस बाजू में, दो सामने और चार ऊपर, ये होगा ना इसके ऊपर चार बॉक्स इमेजिन कर लो, और चार बॉक्स सेम प्लेन में इमेजिन कर लो, ये एक के अंदर ही तीन हो गया, तो ऐसा चार के अंदर 12 और ऐसा चार ऊपर होंगे, क्लियर है, ओके। समझ में आ गया ना, ये नोट कर लिया ना, अब देखो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल और क्रिस्टल उसकी बात करें कैसा होगा, तो डेंसिटी की बात करें तो न्यू पेज का ऑप्शन, तो न्यू पेज कहीं पे दिखाता, न्यू शेयर करेंगे तो वही हो जाएगा, न्यू पेज व्हाइट बोर्ड, अच्छा इसको क्लियर कर दूं मैं, क्लियर ऑल ड्राइंग, क्लियर माय ड्राइंग, क्लियर व्यूअर्स ड्राइंग, न्यू पेज जाने का कोई ऑप्शन नहीं है देन,
इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ओके हाँ, अब डेंसिटी की बात करें हम लोग, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी विल बी मास बाई वॉल्यूम, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो मास ऑफ अ यूनिट सेल बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, मास ऑफ अ वॉल्यूम, और मास और वॉल्यूम होगा, यही होगा ना। तो जेड नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो मास कितना होगा, जेड इनटू मास ऑफ वन एटम, यही होगा ना। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितने हैं इनटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको जेड लिखा, और ये कितना होगा मास ऑफ वन एटम, जैसे मास ऑफ वन सोडियम एटम 23 बाय एवोगाड्रो ग्राम, मास ऑफ वन पोटेशियम एटम 39 बाय एवोगाड्रो ग्राम, ये ग्राम में आ गया बाय ए क्यूब। यदि क्यूब है तो ए क्यूब, बाकी कुछ और रहेगा तो और, बट अभी क्यूबिक सिस्टम पढ़ रहे तो एक क्यूब ले लें। डेंसिटी देखो दिया था, डेंसिटी इफेक्टिव नंबर, हाँ वहां पर नोट्स में डेंसिटी क्या हो गया, मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जेड इंटू मास ऑफ वन एटम। नेक्स्ट पेज पे चले जाओ तो जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब, यही हो गया ना। इस पे भी क्वेश्चन रहेंगे, वो जेड तुम्हें याद करना पड़ेगा, जेड फॉर वन, ये किसके लिए, सिंपल क्यूबिक, जेड इज्कवल टू टू फॉर बी सी सी, यही था ना, जेड इज्कवल टू फोर फॉर एफ सी सी, यही आया था ना, तो ये सब लर्न हो जाना चाहिए। सिंपल क्यूबिक में एक ही थे, बी सी सी में टू था, एफ सी सी में फोर था, ये निकाल लिया था उन्होंने। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, नोट्स में देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या गिवन है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम, यही है ना, इन ए यूनिट सेल जो बताया अभी। उसके बाद सिंपल में कितने होंगे ये बता दिया था, 6 होंगे, बीसीसी में 8 हो गए, एफसीसी में 12 होंगे। इसने नियरेस्ट बोला, हम लोगों ने सेकंड नियरेस्ट थर्ड नियरेस्ट भी देख लिया, ये सब क्लियर कर चुके हम लोग। ओके, नेम ऑफ पैकिंग, नेम ऑफ पैकिंग किसको क्या क्या बोलोगे, है ना। देखो नेम ऑफ पैकिंग में क्या हो गया, पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सी इसको क्लियर करना था। ओके इसमें देखो पहला क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए ए ए ए बताया था, सब एक जैसा होगा, ए के ऊपर एक, ए के स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर रखते जाओ तो एक क्यूब आ गया, सिंपल क्यूबिक का वही होगा ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना हो गया था, 6 हो गया था। तो पहला हो गया जैसे सिंपल क्यूबिक, इसमें कैसा हो गया कि ये सब स्पीयर्स हो गया इस तरह से, और इसके ऊपर एक एक स्पीयर और हो गया, सबके ऊपर एक एक स्पीयर और ले लो, एक स्पीयर के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा सब एक के ऊपर एक हो गया, इसको बॉक्स में फिट कर दो, तो यही क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक हो गया ना। तो लेयर ए है, ये मान लो लेयर ए है, तो इस तरह से ए रिपीट करते जाओ, ये सिंपल क्यूबिक हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, तो ये इसे यहाँ पे जाओगे तो इस रूम में दो, इस रूम में दो, मतलब इस एक्स प्लेन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, स्पीयर के ऊपर भी एक स्पीयर ऊपर होगा एक नीचे होगा, ये 6 को टच करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये सब कर चुके हम लोग ऑलरेडी, ये सब किया हुआ। नेक्स्ट दूसरा क्या लिख रहा है, ट्रायगोनल पैकिंग, उसमें ट्रिपल वो ए ए ए टाइप आएगा और उससे क्या बनता है, रोम्बोहेड्रल या ट्रायंगुलर वॉइड। दूसरा हो गया, ये इसकी जरूरत नहीं है, जो मैं ये लिख रहा हूँ ये नहीं आने वाला। ओके, ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगुलर ए इसकी बात करें तो ये जैसे हो गया, ये ऐसे हो गया स्पीयर्स, इसके वाइड में क्या गया, इस साइड ले लो, तो सबके वाइड में हो गया, तो ये हो गया ट्रायंगुलर वाइड है, इस तरह से एक ट्रायंगल दिख रहा है ना यहाँ पे,
पे ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस तरह से ट्रायंगल ट्रायंगल जा रहा है। इससे जनरेट क्या होगा, जब तुम करोगे तो रोम्बोहेड्रल जनरेट होगा, और ये यहाँ पे जो वॉइड आएगा वो ट्रायंगुलर वॉइड आएगा। वॉइड क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। कैसे होगा 8 वो भी सोच लो, हाँ बोलो इसका करें। एट वाइड में गया हुआ, इसके लिए एक ट्रायंगल ट्रायंगल करके वाइड बना हुआ तुम्हारा। हाँ तो इससे ट्रायंगुलर वाइड आ जाता है, और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ट्रायंगुलर वॉइड, उसके आसपास कितने होंगे वो बताना होता है। ट्रायंगुलर वॉइड के आसपास एक साइड से 4 रोम्बोहेड्रल जो बन रहा है उसमें जनरेट हो रहा है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल कैसा होगा, उसका बीच के वॉइड को देखो, हाँ 6 इन द सेम प्लेन, 1 अप 1 बिलो। हाँ शिवम, ये आ जाएगा 6+1+1। या रोम्बोहेड्रल इमेजिन करो तो डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये 8 पे जाएगा। ये था ट्रायंगुलर वाला, ये नहीं है क्वेश्चन कहीं पे। हेक्सागनल, और इसको बहुत डिटेल में पढ़ना, और इससे आता है क्वेश्चन। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, HCP। HCP कैसे था, वो जाएगा AB, ये लेयर A है ना, अब इसको समझो, इसको पर लेयर B डालेंगे हम लोग। तो लेयर B कैसे डालोगे, या तो हाँ ये लेयर ए ऐसे ही कर दो, यहाँ तक तो सेम है वो। अब लेयर बी मतलब ऊपर के लेयर पर जाओगे तो किस पोजीशन पर डालें हम लोग, अब इसी को एक के ऊपर एक रिपीट करते हैं तो लेयर ए हो जाता, बट दूसरे जो लेयर बी ला रहे हैं उसका पोजीशन कहीं और डालना है, तो या तो तुम इसके ऊपर रखो यहाँ पे, ये वॉइड है, फिर एक यहाँ पर आएगा, फिर एक यहाँ पर आएगा ऐसे। ये तुमने वाइट के ऊपर रखा ना, जिसका सेंटर कहीं और गया, फिर इसके ऊपर लेयर ए को रिपीट कर दो। ये लेयर बी था ना, रेड वाला लेयर बी है, और ब्लैक वाला क्या था, लेयर ए था, फिर से लेयर ए रिपीट कर दो। मतलब ए का जो सेंटर था इसके ऊपर एक स्पीयर रखो, इस वो दोनों का सेंटर कॉन्साइड करे, फिर बी का सेंटर तो यहाँ पे है, फिर बी के सामने बी रखो, इसको रिपीट करते जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, AB टाइप। तो पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, देखना कि AB इज नोन एज व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है। AB क्या होगा, जनरेट करता है HCP को, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। इसमें कौन सा वर्ड हो गया, टेट्राहेड्रल, ओके कौन सा वर्ड हो गया इसमें, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, वो कितने होंगे, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको इमेजिन करना होगा, इसको बाद में करते हैं अभी। टेट्राहेड्रल वॉइड अभी लर्न करो, ये अभी आने वाला है आगे डिटेल में, 12। और ऑक्टाहेड्रल होगा 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होगा, कैसे ये बाद में। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ABC, अब उसमें ABC को करोगे तो मतलब AB हो गया, उसके बाद C को रखा जाए तो क्या आ जाएगा, वो FCC आ जाएगा। एक बार बुकलेट हाँ देखना पड़ेगा, यहीं पे देखना पड़ेगा, बुकलेट में देखो एक बार, ABAB पैकिंग दिखा हुआ है, बुकलेट ओपन करो एवरीवन, जस्ट 2 मिनट में है।
उसमें एबीसी एबीसी और एबी एबी दिया होगा, थोड़ा देखो तो। अब कहां पे देखें उसको, ये हो गया ना सबके लिए, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग। अब एबी एबी एबीसी एबीसी अभी क्लियर कर लेते हैं। देखो ये लेयर ए ले लेते हैं हम लोग ऐसे, बुक में थोड़ा और अच्छे से सर्कल बनाया होगा, देख लेना मेरा तो ओवल टाइप अंडे अंडे दिखेंगे थोड़े, ड्राइंग हम लोग का हमेशा वीक रहा। ये हो गया लेयर ए, ओके तो चलो लेयर ए मैंने अच्छा बना दिया। नाउ वी गो फॉर द लेयर बी, तो ये ब्लू पे जाता हूँ। अब इसमें देखो दो तरह के वर्ड हैं, एक हम लोग उसको वर्ड कहेंगे जो इसमें दो स्पेयर अप, इसको वर्ड ए बोल देते हैं, और एक में एक हो गया एक स्पेयर ऊपर और दो स्पेयर नीचे, इसको वर्ड बी बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ए और बी में, जैसे ए थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा है तो इसको अलग से बना दूं ऐसे, इसको हम लोग ए वर्ड बोलेंगे, ए टाइप ऑफ वर्ड, और दूसरा हो गया बी टाइप ऑफ वर्ड। तो कौन सा ए है कौन सा बी है वर्ड आइडेंटिफाई करें हम। ये जो हो गया दो सर्कल, दो ऊपर और एक नीचे, इसको ए लिखे हम लोग, ये कौन सा हो गया ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। अच्छा लेयर ए से कंफ्यूज ना हो तो स्मॉल ए कर देता हूँ, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, और यहाँ पे क्या हो गया दो स्पीयर के नीचे वाला ऐसे दिखेगा, दो स्पीयर ऊपर और एक स्पीयर नीचे, इस तरह से ऐसा ट्रायंगल दिखेगा तो वर्ड ए करेंगे, उल्टा ट्रायंगल दिखेगा मतलब इस तरह का ट्रायंगल दिखेगा तो बी करेंगे। तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। अब बी पे चलें तो बी वाला वर्ड कौन सा हो गया, रेड ब्लू हाँ, बी वाला जिसमें एक स्पीयर ऊपर है यहाँ पे और दो स्पीयर नीचे है, ये यहाँ पर एक स्पीयर ऊपर है और दो स्पीयर नीचे है, तो ये बी बॉय बी वर्ड है, एक स्पीयर नीचे ये बी है, ए के जस्ट बाजू में बी पड़ रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है, साइज शेप सब कुछ सेम है, फर्क क्या पड़ेगा ना कि आइदर आइदर लेयर बी
ऑक्यूपाइज आइदर ऑल ए टाइप ऑफ वर्ड. एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल से दिया आपने, बुक में भी ए टाइप ऑफ वर्ड्स ये लिखा हुआ है ना, और बी टाइप ऑफ वर्ड्स. क्यों? आइदर ए टाइप ऑफ वर्ड्स और बी टाइप ऑफ वर्ड्स. ए टाइप ऑफ वर्ड पे ही जैसे तुमने सबको रखा ना, बी वाला अपने आप ऑक्यूपाई हो जाएगा, जगह ही नहीं बचेगा कि तुम रख पाओ. ओके तो जैसे ये फॉर्मेट पे कोई और कलर लेने, पिंक कलर लेते हैं. तो ये ए के ऊपर रखते हैं हम लोग, ये ए के ऊपर यहाँ पे एक स्पीयर रखा, ये ए के ऊपर एक स्पीयर रखा, यहाँ ए के ऊपर एक रखा, और यहाँ पे ए के ऊपर रखा ऐसे. अब ए के ऊपर रखा, बताओ बी के पास जगह कहाँ है कि तुम रखोगे. बी वाला वाइट था बट रख नहीं पाए हम लोग, तो ये क्या हो गया, लेयर बी हो गया ना. तो रेड हो गया लेयर ए, ग्रीन हो गया लेयर बी. अब आइदर ए को रिपीट कर दो रेड वाले स्पेयर के जस्ट अबव रेड वाला स्पेयर है ना, दोनों का सेंटर कॉन्साइड करे, तो ए बी हो गया, तो वो हो जाएगा एच सी पी राइट. या फिर जो ये बी वाला स्मॉल बी वाला वर्ड है तुम इसके ऊपर रखना स्टार्ट कर दो. स्मॉल बी वाला बचा हुआ था ना वर्ड, उसको थर्ड लेयर में रखना स्टार्ट कर दो. मोर पे चले जाए चैट, चैट में, चैट में, अच्छा चैट में तुम लोगों ने कुछ कुछ लिखा. बी अभी भी वर्ड है ना, हाँ बट उस प्लेन में नहीं रख सकते. वो बी लेयर में आइदर ए पे रखो या बी पे रखो, यही है ना. तो तुमने सारे ए को ऑक्यूपाई कर दिया, तो बी लेयर बी के पास जगह ही नहीं बची कि हम लोग रख पाए, बी के पास नहीं रख पा रहे हम लोग, कहाँ रख पाएंगे फिर. आइदर ए टाइप ऑफ वर्ड और बी टाइप ऑफ वर्ड, सही है ना. अब उसको थर्ड लेयर में रख सकते हो तुम, थर्ड लेयर में बी वाला वर्ड के ऊपर रखा हुआ है, ए बी हो गया, अब बी वाला जो वर्ड हो गया ये अलग से रख सकते हैं. इसके लिए कलर येलो लेता हूं, ये जो होगा ये लोग दिखेगा ना. हाँ ब्लैक, ये देखो ये जो बी वाला था इसके ऊपर रखो, यहां पे रख सकते हैं ना. देखो इसका सेंटर बिल्कुल अलग गया ना, ए वाले का सेंटर कहीं और, बी का सेंटर और कहीं और, ये सी का सेंटर कहीं और. ये जो बी वाला जगह बचा हुआ था उसके ऊपर रखना शुरू कर दिया, तो एक नया पोजिशन मिलने लगा ना हम लोग को. ये कौन सा हो गया, लेयर सी. तो या तो तुम ए बी ए बी ए बी रिपीट करते जाओ तो वो एच सी पी हो गया, या ए बी ए बी ए बी इस तरह से रिपीट करते चले गए तो हो गया एच सी पी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. क्यों वो देखते हैं अभी हम लोग. और तुमने ए बी सी रिपीट कर दिया तो ये हो गया एफ सी सी, या फिर एच सी पी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फेस सेंटर क्यूबिक. ये अरेंजमेंट क्लियर हुआ कि कैसे, कौन एबीएबी क्या है, एबीसी एबीसी क्या है, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि एबीसी एबीसी क्या हो गया, एफसीसी क्यों ऐसा जनरेट हुआ, वो अभी देखते हैं. दो जनरेशन हो गया, एबीएबी क्यों एचसीपी, एबीसी एबीसी क्यों एफसीसी, वो अभी देखेंगे हम लोग. ओके हाँ, एबीसी नहीं समझ में आया. ओके लेयर पे लेयर नहीं समझा, ग्रीन और ब्लैक वाला नहीं समझा. ओके ठीक है, अरेंजमेंट क्या हो गया. देखो ये रेड वाला लेयर ए है, अब रेड वाले के ऊपर रेड वाले रखते जाओ, रेड वाले स्पीयर के सेंटर के ऊपर रेड वाला स्पीयर रखते जाओ, तो उसके ऊपर भी एक रखते जाओ, सारे सेंटर सारे स्पीयर पे एक के ऊपर एक रखते जाओ, वाइड में मत रखो. यहां तो हम लोग वाइड में रख रहे हैं ना, लेयर ए बनाया तुमने, ये लेयर ए बनाया, उसके ऊपर दूसरा लेयर डालो और एक स्पीयर के ऊपर ही दूसरा स्पीयर रखो, ऐसे उसको वाइड में नहीं रखना. जैसे हम लोगों ने वाइड में डाल दिया ना, मतलब कि जब ये रख रहे हैं आइटम, लेयर ए ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो तुमने जस्ट इसके ऊपर फिर से डाला इसी स्पीयर के ऊपर, यहाँ पे ये लेयर ए ही हो गया, इसके ऊपर ही डाला, इसके ऊपर ही डाला, तो ये हो गया. बट इसका सेंटर कहीं और बीच में डाल दिया तुमने तो कुछ और कल आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लेयर बी हो जाएगा, वो उससे हट गया थोड़ा. मतलब कि ये जो लेयर था यहाँ पे ऐसे गया, तो ये लेयर ए चल रहा था, लेयर बी तुमने नया क्रिएट किया, इसके ऊपर डाला यहाँ पे, इसका सेंटर कहीं और जा रहा है, इसका सेंटर कहीं और है,
और लेयर सी जब तुम्हें पुट करना होगा तो लेयर सी कहीं और डाल सकते हो क्या, ए और बी के अलावा? वो मैटर था इसके मैटर में, देखे हम लोग तो ये लेयर ए देखो, यहाँ पे आ गया लेयर ए। लेयर ए ऐसे वर्ड में डालते जाओ, राइट? हाँ तो ये हो गया लेयर ए। अब लेयर बी कैसे होगा? लेयर ए के ऊपर ए रख दिया, मतलब ये ब्लैक स्पेयर के ऊपर ही ब्लैक स्पेयर रख दिया, तो फिर ए ही बना दिया तुमने। इस तरह से मान लो बॉक्स में कुछ स्पेयर्स को पैक करना है, एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो लेयर ए आते जाएगा, तो बेटर पैकिंग नहीं होगा। बट इसको व्हाइट के ऊपर रखा उन्होंने, व्हाइट कितने हो गए वो देखो। व्हाइट को हम लोग जाते हैं जैसे कि यहाँ पे ले लिया गया दूसरा, तो तुम इधर ये वाला रखो जिसमें दो स्पेयर ऊपर एक स्पेयर नीचे, दो स्पेयर नीचे और एक स्पेयर इधर, इसका सेंटर कहीं और गया ना देखो, तो वो इसके व्हाइट के ऊपर गया ना, इसका सेंटर इस व्हाइट के ऊपर गया ना, दो स्पेयर यहाँ पे एक स्पेयर, यहाँ पे दो स्पेयर, अभी यहाँ पे एक स्पेयर, ये दो स्पेयर यहाँ पे एक स्पेयर, ऐसे बनाते चले जाओ। ये मैंने बोला कि ये बन गया तुम्हारा ब्लू वाला लेयर बी। अब फिर से तुम लेयर ए रिपीट कर दो, ब्लैक वाले स्पेयर के जस्ट जो सेंटर था उसके ऊपर ब्लैक स्पेयर डाल दो, तो तुमने फिर ए डाल दिया ना, तो लेयर ए बी ए बी ए बी ये जो आ गया वो क्या आ गया, ए के ऊपर बी, फिर ए डाल दिया तुमने, मतलब ये जो स्पेयर था ब्लैक वाला इसके सेंटर के ऊपर ही एक स्पेयर डाल दिया, फिर ब्लू वाले का जो सेंटर था उसके ऊपर ब्लू स्क्वायर डाल दिया, तो ये ए बी होगा। बट तुम चाहो तो सी स्क्वायर भी डाल सकते हो, वो थोड़े से अलग पोजीशन पे जाएंगे। किस पोजीशन पे जाएगा वो? तुम चाहो तो सी वाला एक एक और नहीं कंटिन्यू कर सकते हम लोग, ये वाला वर्ड बचा हुआ था यहाँ पे डालते, इसका सेंटर देखो बिल्कुल ना, ए के सेंटर पे, ए का सेंटर यहाँ पे था, बी का सेंटर यहाँ पे था, सी का सेंटर यहाँ पे, सी से बिल्कुल अलग है, यही है ना, तो लेयर सी आ जाएगा, लेयर ये हुआ ना, ए बी और ये सी, ए बी सी को हम लोग बोलते हैं एफ सी सी, एफ सी सी या सी सी पी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ए बी क्या था? एच सी पी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यही था ना। किसे? ओके हाँ आप बताओ क्या क्या डाउट है यहाँ पे, डाउट 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 क्यूबिक और पैकिंग में रिलेशन क्या है, क्यूबिक और पैकिंग में क्या रिलेशन है, कैसे पता चलेगा? ए बी सी अनुराग अभी समझ में आया कि रेड का सेंटर कहीं और है कि नहीं, समझ में आया वो एबीसी? समझा? ओके हाँ, तो अब ये एबी कैसे एचसीपी बन गया वो देखते हम लोग। एबी को मैं एचसीपी लिख रहा हूं तो क्यों एचसीपी बना वो सोचो। देखो इसको रेज करूं अभी, क्लियर क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ओके ठीक है, तो अभी पे चले हम लोग एबीसी एबीसी FCC, तो कितना हो जाएगा यूनिट सेल? हाँ सिंपल क्यूबिक तो बता दिया, सिंपल क्यूबिक कर दिया उन्होंने, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर इन थ्री डायमेंशन,
ये बता दिया एचसीपी में कैसे है, एचसीपी को समझना था। एचसीपी में लेयर एबीसी कैसे हो गया ना, देखो पहले जाकर मैं ड्रॉ कलर ब्लैक, ये बन गया स्पीयर। एबीएबी की बात कर रहे हैं, एचसीपी के बाद आ गया हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। अभी ये जो हो गया स्पीयर इस तरह से हो गया, यहां पर हो गया ये, एक स्पीयर हो गया। अब इसका यूनिट सेल हम लोग को लेना है। यूनिट सेल कैसा होगा, ये लेयर ए आ गया था अभी, अब ये करोगे तो लेयर बी पे चले हम लोग। इसके बाद लेयर बी, लेयर बी कहां से आ गया था, ये दो स्पेयर ऊपर एक स्पेयर यहां बीच में, ऐसे दो स्पेयर ऊपर एक स्पेयर बीच में, दो स्पेयर ऊपर एक स्पेयर बीच में, ऐसे ठीक है। अब इसको हम लोग बताएं कि इस तरह से हो गया, तब इसका फिर लेयर ए आ जाएगा। इसका जो यूनिट सेल हम लोग को बनाना होगा, ब्लैक ब्लू ब्लू यूनिट सेल बना होगा, तो ये हेक्सागन एक प्लेन में ले लो ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। हाँ प्रॉपरली प्रॉपरली करेंगे तो तीनों स्पेयर इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। ये सिक्स स्पेयर हो गया, ये तीन स्पेयर थोड़ा अंदर जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से सिक्स स्पेयर का एक क्यूब बन जाएगा। तो तुम्हें एक्चुअली एचसीपी कैसे दिखेगा, बुकलेट में देखो ठीक से वो फिगर बनाया होगा बुकलेट में, कि कैसे बनाया हुआ। यहाँ पे ये सिक्स का लेयर बन गया, मतलब ये हेक्सागन बन गया ऐसे, और एक हेक्सागन नीचे ले लो यहाँ पे, ऐसे। और ये है बीच में तीन स्पीयर थे, ये तीन स्पीयर थे, यहां पे छह स्पीयर थे। ये लेयर ए, ये कौन सा चल रहा था, लेयर ए ऊपर वाला जो बनाया, ये लेयर बी, ये यहां पे रखा था, ये तीन स्पीयर के ऊपर एक स्पीयर रखा था ये वाला पार्ट, फिर यहां तीन के ऊपर, फिर तीन यहां पे, और ये हेक्सागन को तुम ऐसे बना दो, ये दिख रहा है ना, वाह कितना शानदार ड्राइंग बनाया मैंने, वेरी गुड, अपने आप को बोल रहा हूँ। ये क्लियर हुआ कैसे बनाया, ये हो गया सिक्स, अब बीच में सेंटर में, हाँ यस मुविन थैंक यू, 10 out of 10। देखो ड्राइंग हम लोगों ने बचपन से पढ़ा नहीं है, फिर भी बनाता हूँ। अरे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हुआ ये सब, तुम लोग तो मास्टर होते हो, बच्चों से ही बनवा लेता हूँ मैं सब। ये देखो एबीसी हो गया, अब बताओ कि इसमें हाइट तो कोई नहीं बता पाएगा, उसमें टाइम जाएगा, मुझे इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, इसके लिए जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, यही लिखेंगे ना। हाँ अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन में जेड का वैल्यू कितना होगा, कितने एटम इनसाइड होंगे। कॉर्नर वाले पे रॉन्ग करोगे, कॉर्नर वाले सोचो थोड़ा, ये जो कॉर्नर हो गया हेक्सागन समझो, ऐसे बुक हो गया राइट, ये इस तरह से बुक से, यहां पे कॉर्नर पे एक एटम है, ये एंगल बीच में कितना हो गया 120, ये कॉर्नर वाले का कितना पार्ट अंदर होगा, कॉर्नर का सेंटर इससे टच कर रहा है, सेंटर इससे टच कर रहा है, ये ऐसा वन थर्ड नहीं, 1/6 होगा, 1/6। देखो कैसे हो जाएगा, ये जो स्पीयर हो गया इसको हाफ तो सीधे कट कर दो, ऊपर से ऊपर नहीं चाहिए हम लोग को, इसके अंदर चाहिए था, हाफ तो गायब हो गया। मान लो एक लेमन रखा, लेमन को ऐसे कट कर दो, हाफ बचा,
अब इसका 1/3 अंदर में, हाफ का 1/3, मतलब कितना हो गया 1/6 ना। हाँ, ये लेमन रख दो ऐसे, कट कर दो ऐसे, हाफ लेमन गया। अब ये हाफ लेमन का 1/3 इनसाइड है, 2/3 आउटसाइड है, 240 डिग्री एंगल है ना, 120 है, तो 1/6 हो गया। और ऐसे कितने हैं कॉर्नर, ऐसे कितने हैं, 6 कॉर्नर यहाँ पे ऊपर में है और 6 नीचे में, मतलब 12। क्लियर हुआ? क्लियर है कि नहीं है? देखो, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, यस। नहीं तो टोटल 4 नहीं आएगा, टोटल भी लर्न करना होगा। सब सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव बना के दे देते हैं। और उसके बाद कितना हो जाएगा इसका, ये जो सेंटर पे है, इसका हाफ पार्ट अंदर हाफ अंदर, ये फेस सेंटर है ना, ऐसा दो है, एक ऊपर और एक नीचे, इसका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू टू प्लस जो 3 बीच में है, कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 3, 6 हो गया ना। हाँ, तो जेड का वैल्यू 6 हो गया। अब मुझे हाइट ऑफ द हेक्सागनल, मुझे नहीं लगता किसी का आंसर आ सकता है। हाइट ऑफ हेक्सागन कोई बता सकता है, ये हाइट क्या होगा? 3 स्फीयर हो गया, उसके ऊपर 1 स्फीयर ले लो। मतलब तुम्हें अल्टीमेटली क्या करना है, यहाँ पे जब पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे तो कितना होगा, 6 × 4/3 πr³ इंटू यहाँ पे एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना होगा ये शायद सबको मालूम होगा कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे। एरिया लोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 इक्विलेटरल बने ना। एक इक्विलेटरल का वैल्यू कितना होगा, ये r+r, ये टच में 2r है ना, तो √3/4 a² होता है ना, √3/4 × a² ए का वैल्यू 2r² इंटू हाइट। ये हाइट नहीं आता सर, हाइट समझो ना कि ये 3 स्फीयर हो गया, इसके ऊपर ही 1 स्फीयर है, राइट? इस स्फीयर के सेंटर से ये तीनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस बताना, और उसी को डबल कर देंगे। ये बीटेक फर्स्ट ईयर में ही पूछ लेते हैं वो, बट सबका आंसर आता नहीं है फिर। इतना जल्दी नहीं आएगा, इसके लिए मैं तुम्हें अगले कल तक का टाइम देता हूँ, कल जब मेरा लेक्चर रहेगा, ये हाइट निकालने के लिए। तो भी टाइम भी दूंगा ना, तो भी कल तक बहुत कम लोगों का आएगा। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। ये पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, इस तरह से आएगा, हाइट निकाल दोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको पुट करो। देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्पेस पे एचसीपी का दिया हुआ है, एचसीपी का एफसीसी का दिया हुआ है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6, हेक्सागोनल जेड इंटू 4/3, बेस एरिया इंटू हाइट, और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ जा रहा है एक्चुअली, इसका हाइट से करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा ये आ जा रहा है 0.74, तो 74% पैकिंग। ये सेम लाइक एफसीसी हो गया, एफसीसी में भी 74% था ना, इसमें भी 74%। ओके, तो हाइट समझो, हाइट डिस्कस कर ही लेते हैं, हाइट एक बार समझो।
ओके एक बस ये हेक्सागन का हाइट देख लेते हैं। ये 3 स्पीयर ऊपर में 1 स्पीयर है ना, इसका कितना आएगा तुम्हें हाइट बताना है।
तो ये जो स्पीयर से हम लोग ड्रॉ करें, मतलब एक पिरामिड बन जाएगा, ये एक पिरामिड बन जाएगा ना, ऐसा प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ से यहाँ का सेंटर का। तो प्रिज्म का हाइट चाहिए तुम्हें, तीन स्पेयर उसके ऊपर एक स्पेयर रखा हुआ, तो प्रिज्म का हाइट क्या होगा? तो ये जो नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो इसके सेंट्रोइड पर कट करेगा ऐसे। तो सेंट्रोइड पर आएगा तो क्या होगा, जस्ट मैं हिंट दे देता हूँ, 2:1। तो तुम ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये कितना होगा, 2/3 ऑफ, ये √3a होता है ना, हाँ, तो ये √3a/2 आता है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो उसका 2/3 है। और यहाँ ऊपर से एक हाइट डाला गया, तो वो हाइट बताना है तुम्हें, ऊपर जो स्पेयर होगा, और ये वाला हाइट तुम्हारा फिर से 2r आ जाएगा, वो मतलब a आ जाएगा, तब ये हाइट कैलकुलेट करो। इसको करके ही आओ, इसमें लंबा टाइम जाएगा, ठीक है। आज तुम लोग का 3 lectures है ना, तो इसको यहीं पे ओवर कर देंगे हम लोग। और कल का लेक्चर मेरा कंफर्म रहेगा कब, 8 से 10 में है ना, मॉर्निंग 8 to 10 इज ओके ना, हाँ, तो कल मॉर्निंग 8 to 10 ओके। कल इवनिंग में चाहिए क्या तुम लोगों? हाँ बोलो तो इवनिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, या मॉर्निंग में बोलो तो 10 to 12 कर दें, क्या चाहिए? मॉर्निंग मॉर्निंग 8 to 10, 8 to 10, 8 इवनिंग, विपुल का इवनिंग, वेस्ट मॉर्निंग मॉर्निंग, अमितेश इवनिंग, आदित्य मॉर्निंग, एलेवन से, हाँ 8 to 10 रहेगा मैक्सिमम, लोग मॉर्निंग चाहते थे 8 to 10 तक, ओके। हाँ फिर 11 से क्लास है, चलेगा, चलो ओवर करो, मिलते हैं फिर, ओके। स्टॉप शेयर, तो एंड करना भी सीखना होगा इसमें, रिकॉर्डिंग।